उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हलचल क्यों है दर्शकों, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से सारी उड़ती हुई अफवाहों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं, ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा था। आप भी सोच रहे होंगे, योगी के इस्तीफा देने की चर्चाएं भी बड़ी तेज हो गई थी, लेकिन बीते 24 घंटे में जिस कदर यूपी की सियासी हलचल बदली है, बड़ी है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी तो दिल्ली तक पहुंच गए, इनके बारे में भी आपका जानकारी दूंगा आज आप। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी बने रहेंगे, जो खतरे की खबर थी उसने तेजी जरूर पकड़ी, अफवाहें उड़ने लगी, योगी आदित्यनाथ की जगह यूपी में बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है, यहां तक बातें होने लगी। लेकिन बार बार मैं देख रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, ये साफ हो गया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, किसी में इतना दम नहीं है कि योगी के काम और नेतृत्व पर सवाल उठा सके। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे, ये साफ हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, साफ तो ये भी हो गया कि योगी अब और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तमाम अटकलें अफवाहें सब धरी की धरी रह गईं और योगी ने अपनी ताकत को एक बार फिर दिखा दिया, जो इस बैठक में आप देख रहे हैं। क्या हुआ, लखनऊ में 5 कालिदास पर, मुख्यमंत्री आवास पर सरकार में 30 मंत्रियों के साथ बैठक की योगी आदित्यनाथ ने। देखिए सुबह कैसे काफिला आ रहा था और जा रहा था, यह बता दिया है कि उनके स्पेशल 30 की ताकत का कोई तोड़ नहीं है दर्शकों, कोई तोड़ नहीं है। और अब इन स्पेशल 30 जो योगी की टीम है, यही बंद कमरे में आज मौजूद थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्या बात हुई, किस मुद्दे पर करीब 1.25 घंटे तक चर्चा चली, यह मैं आपको बताऊंगा। यूपी में बीजेपी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे 30 मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया। ये वो वक्त था जब अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म था, यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई थी, तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिनके सामने आने के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि 5 कालिदास पर आखिर चल क्या रहा है, आखिर मीटिंग की सच्चाई क्या है, इन खबरों पर यकीन किया जाए या नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ पूरा देश ये जानने में जुट गया था कि योगी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा। सबकी नजरें टिकी हुई थी, सब जानना चाहते थे वाकई क्या यूपी में नया मुख्यमंत्री आने वाला है। इन्हीं सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 30 के साथ एक बैठक की। यहाँ सबसे अहम बात ये रही कि इस बैठक में प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। करीब 70 से 75 मिनट बाद सीएम हाउस के बाहर हलचल बढ़ जाती है और फिर निकल कर आती है वो खबर। पता चला कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने आगे की रणनीति तैयार कर दी, उपचुनाव के लिए अपने स्पेशल 30 की कमर कस दी है और जीत के फॉर्मूले की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है। चुनाव में जो हम लोग नीचे ग्राउंड पर उनकी बैठक थी और वो तो विषय है कि जिनको जिम्मेदारी गई थी उनसे मैं फीडबैक लेना था उसकी बैठक। तो देख लिया आपने, लेकिन अब बैठक के अंदर हुआ क्या ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि हमारी केस स्टडी आ चुकी है, आपको बता रहा हूं मैं। बैठक में केस वन क्या कहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव पर ही फोकस किया, बूथ की कमेटियों को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, स्थानीय कार्यकर्ता जो आप लोग देख रहे हैं, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे, उन्हें बता दूं समन्वय पर जोर दिया है, अपने अपने क्षेत्र में सभी मंत्रियों को जाने के लिए कह दिया है और कहा है कि स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार पर आपको फीडबैक लेना होगा, जो ईमानदार है, जो जिताऊ है, उस पर जोर रहेगा और हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में रात्रि विश्राम के निर्देश दिए।
और जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार संवाद के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिए। लेकिन केस टू ये सुनना चाहिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को क्या हुआ? वो सवालों के घेरे में आ गए। सरकार का हिस्सा हैं तो फिर सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे? सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी क्यों नहीं? संगठन सरकार के बीच तालमेल की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? कौशाम्बी बीजेपी लोकसभा सीट हार गई, किसकी जिम्मेदारी है? सवाल है। 2022 में सिराथू सीट से सपा की पल्लवी पटेल से भी केशव प्रसाद मौर्य हार गए। 2018 में फूलपुर से बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई, अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे केशव प्रसाद मौर्य, तो फिर आज दिक्कत क्या हो गई है? ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को क्या हुआ, क्यों वो कह रहे हैं सरकार और संगठन की बातें? ये सबसे महत्वपूर्ण है दर्शकों। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सुनना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में खराब प्रदर्शन हुआ और अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहा है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्क्रीन पर आ गए। इनके बयान के बाद सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की। केशव ने इससे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कहा था बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे ऊपर हैं और वो सरकार से भी बड़े हैं। मौर्य के इसी बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है कि सही नहीं है। इस बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। ये देखिए आप, ये लिखा, इसको लिखा, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया दर्शकों। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें दिल्ली तलब कर दिया गया। वो तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया किसी भी सूरत में सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी का हित खराब हो, उसका नुकसान हो। नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की और हमारे सूत्र बता रहे हैं भूपेंद्र चौधरी ने भी यूपी सरकार में कई मंत्रियों को लेकर सवाल उठाए हैं। नड्डा से पार्टी के दोनों पुराने नेताओं की इस मुलाकात के बाद आपको भी ये लगने लगा होगा कि सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन खबरें अभी भी प्रबल थी। शीर्ष नेतृत्व ने संयम के साथ बयान देने की नसीहत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है और दोबारा पोस्ट कर दिया, इसी पर सवाल बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाऊंगा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, उनका अंदाज क्या था, पहले आप ये सुनिए। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता मानव देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहता, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी में जो कुछ भी चल रहा है दर्शकों, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबर नजर है, बराबर नजर बनी हुई है। और अभी तक वो इस मामले से दूर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूपी में सियासी घमासान थम नहीं रहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की केशव प्रसाद मौर्य को समझाइश काम नहीं आ रही, तो पीएम मोदी को इस मामले में दखल देना पड़ा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पीएम मोदी तलब कर गए। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली में पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी की 45 मिनट लंबी बैठक चली। अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, यह भी आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सबकी नजरें इस बैठक पर थी। सबके जहन में यह सवाल था कि आखिर इस बैठक में क्या हो रहा होगा, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी, क्या दोनों नेता चर्चा कर रहे होंगे। हमने इसका एक्सरे किया है दर्शकों, और मैं वादा करता हूं आपसे जो हमने एक्सरे किया है वो अभी तक आपको नहीं दिखाया गया होगा। किस तरह से इस पूरी चर्चा के बाद जानकारी सामने आ रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष में कमरे में बातचीत होती रही। जाहिर सी बात है, यूपी में चल रहे सियासी घमासान के बीच हो रही इस मुलाकात के मायने बेहद खास है। कोई बड़ी बात नहीं, पीएम मोदी की भूपेंद्र चौधरी से यूपी में मची हलचल को लेकर बात हुई होगी। पीएम मोदी ने भूपेंद्र चौधरी की बातें सुनी होंगी और उन्हें अपनी नसीहत भी दी होगी। ये भी हो सकता है कि पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच सरकार संगठन के बीच तालमेल पर बात हुई। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार कई बैठक कर चुकी है। यूपी में मिली हार को लेकर कई बार मंथन हुआ। इस बीच भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ले ली है। भूपेंद्र चौधरी ने जैसे ही ये बात कही, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया कि यूपी में 2 महीने बाद अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। अब संगठन बदलाव के साथ नजर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है, तो सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों चाहते हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें बीजेपी अपने नाम कर ले। साथ ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की यह कोशिश भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद योगी सरकार के खिलाफ मुखर हो रही आवाजों को सरकार और संगठन में सही जगह देकर मैनेज कर लिया जाए। तो देख लिया दर्शकों, आप पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी की यह मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी खास है। क्यों खास है सुन लीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पहले ही झटका खा चुकी बीजेपी अब यह साबित करना चाहती है, चुनौती है उसके सामने कि जो नतीजे आए हैं उसका कोई ठोस आधार नहीं है। योगी पर चैलेंज है, और जब चैलेंज की बात आती है तो लोकसभा में जो धारणा बनी है उसे तोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनावों के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी होगी। हालांकि योगी के लिए यूपी में ये उपचुनाव 10 सीटें जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है दर्शकों, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सपा के किले में सेंध लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, और 3 सीटों पर तो खास तौर पर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये तीनों सीटें सपा के किले के तौर पर जानी जाती है, यादव और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना चाह रही है, और उपचुनाव में जीत के लिए अपना ग्राउंड बनाना भी शुरू कर दिया है। 37 सीटें मिलने से पहले ही गदगद है अब अखिलेश यादव की जोर आजमाइश, देख लीजिए जरा, वो जीतने में लगे हुए हैं उपचुनाव में 5 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, बाकी 5 सीटों पर भी नजरें गढ़ाए हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के अंदरूनी कलहा पर चुटकी ले रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने हाथों हाथ जवाब दे दिया है दर्शकों। बर्तन किस घर में नहीं खटकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई बाहर वाला इसका गलत फायदा उठाएगा। क्या कहा अखिलेश ने, पहले आपको वो सुनवा दें। जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ ना जाए, सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। तो देख लिया आप, लेकिन हमने आपके लिए पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। हम पहले इस केस की हिस्ट्री में जाएंगे दर्शक, क्या हुआ कैसे हुआ ये पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नजर है उपचुनावों पर। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, केस फाइल आपके सामने। ज्यादातर सीटों पर चुनाव एमएलए के सांसद बनने की वजह से हो रहे हैं। अलीगढ़ जिले के खैर और अयोध्या की मिल्कीपुर पर चुनाव है। अंबेडकर नगर की कटहरी और मुजफ्फरनगर की मीरपुर पर भी रण बड़ा जबरदस्त होगा। कानपुर नगर की सीसामऊ और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी चुनाव होना है। इतना ही नहीं दर्शकों, गाजियाबाद मिर्जापुर की मंझवा सीट पर भी उपचुनाव होना, इसके लिए तैयारी हो रही है। मुरादाबाद की कुंदर की और मैनपुरी की करहल, जहां से अखिलेश यादव थे, वो भी अब चुनावी मैदान में। इन उपचुनावों में सबसे चर्चित है करहल विधानसभा सीट, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जाना लगभग तय हो गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने सबसे ज्यादा 5 सीटें जीती,
2022 में बीजेपी ने इन सीटों में 3 सीटें ही जीती थी और आरएलडी और निषाद पार्टी एक एक उम्मीदवार जीत दर्ज कर दें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है, क्या उनकी तैयारी, हमारी टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है दर्शक। टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या तैयारी की, आइए आपको दिखाते हैं। योगी ने 10 सीटों पर दम दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है दर्शकों। और इतना ही नहीं, उपचुनाव जीतने के लिए योगी ने खाका तैयार कर लिया है। क्या खाका है, योगी ने बैठक में मंत्रियों को साफ निर्देश दे दिया है। क्या कहा, सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की चर्चा, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों। और विपक्ष के संभावी प्रत्याशी पर भी बातचीत हुई है। सोचिए जरा विपक्ष क्या कर रहा है, इस पर भी नजर है। हर सीट का जातिगत समीकरण क्या होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और जो प्रभारी मंत्री हैं, जो प्रभाव रखते हैं क्षेत्र में, वो मंत्री उस सीट पर जाएंगे, हालचाल जाने, यही बड़ी बात है। लेकिन अब वक्त आ गया उत्तर प्रदेश की फाइनल रिपोर्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्जरी होने वाली है। तो क्या होगा, फाइनल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं दर्शकों। फाइनल रिपोर्ट हमारी आ गई है। यूपी में, प्रदेश में, संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। इतना ही नहीं, 2 महीने में उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कई नाम रेस में चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है। और ये अगर बदलाव होते हैं तो उपचुनाव के बाद ये बदलाव संभव है, ये हमारी रिपोर्ट बता रही है, फाइनल रिपोर्ट। क्योंकि योगी का फोकस कहां है, उपचुनाव में जीत पर। और अगर जीत होती है, 10 में से 10 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हैं, क्योंकि यही कोशिश है, तो फिर बीजेपी आगे की तरफ जाएगी और योगी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, ये आपने देख लिया।